अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आपको लग रहा होगा जैसे मैं सोया उठा हूँ, क्योंकि मैं अभी सोया उठा हूँ इसलिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है एहसान भाई, कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक अल्लाह का। यार मैं घर पे बोर हो रहा था, मैंने सोचा चल के तुम्हारे साथ बैठ के बोर होता हूँ। जी नाज़रीन, आप आज घर पे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी 15 चीजें घर पे रहकर कर सकते हैं। आइए घर पे रह के एक्सरसाइज। 100, 200 खाना बनाना सीख सकते हैं। ये क्या किया तुमने? ऐसा घर में रह के आप म्यूजिक बजाना सीख सकते हैं। Learn how to stack cards. Ach! Yo! What are you doing? घर में रह के how to learn acting. ओए मौले नु मौला ना मारे, ते मौला नियो मरदा ओए। हाँ तेरी ऐसी दी तैसी। मेरी तरह आप अपने स्किन की केयर भी कर सकते हैं घर में फारग रह के। आप नया हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, मेरे से लर्न कर लें। कर सकते हैं। आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं। रुपये ये किताब उल्टी क्यों है? क्योंकि आपने उल्टी पकड़ी हुई है। जी नाज़रीन, अभी मेरी छोटी नीस जो है वो आपको बताएगी कि आप कोरोना वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कोरोना वायरस से बचने का तरीका। आपने मास्क यूज करना है और घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, किसी से सलाम नहीं लेना, किसी से हाथ नहीं लाना और किसी से गले नहीं मिलना। ऐसे कोरोना वायरस किसी और से अपने में आ सकता है, इसलिए कहने हैं कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल बाहर ना निकले। कोरोना वायरस 100 मुल्कों में फैल गया हुआ है और 100 मुल्क बहुत बीमार है, तो इसलिए सिर्फ हम ही बच गए हैं। इसलिए आपने सिर्फ मास्क का यूज मास्क इस्तेमाल करना है और गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना
और ऐसे मास्क लेना है और जब छींकता है या फिर टिश्यू पेपर या फिर मास्क इस्तेमाल करें। ये बच्चों दो आज मैंने देखे, मैंने भी मास्क इस्तेमाल करो हुआ है। और बच्चों दो आप अपनी मम्मी दो दो तो बिल्कुल भी ना तन करना। अच्छा जी, आज हमने आपको ये बताया कि अगर कोरोना वायरस की वजह से मुल्क कंट्री शटडाउन है तो आप घर में क्या क्या कर सकते हैं, वो आपने हमारी वीडियो में देखा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्यों एहसान? बिल्कुल, हम आपको कुछ आइडिया देना चाहते थे, लेकिन जैसे कि हम पिछले एपिसोड में कह सकें कि ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नई किताब पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने घर में रहें, सेफ़ रहें। इसकी वजह से आप ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं, चूँकि आप इन्फेक्शन फैलाने का बायस नहीं बनेंगे। बाकी हमेशा की तरह हाथ धोते रहिए, 20 सेकंड तक सोप के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिए कि आप किस किस्म की वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप हमें वो दें ताकि हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप ये सब करेंगे तो हम दोनों में बड़ी ताकत आएगी, हम बड़ा काम करेंगे और अच्छे से अच्छे आइडियाज़ देंगे आपको। और इसी बात पर हमें इजाज़त दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों के हाथ धुलाएं, अपने हाथ धोते रहें। बार बार ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे फ्रंट लाइन पर आप लोग हैं जो कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।